नमस्कार साथियों, नॉलेज बैंक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही हैं यूट्यूब पर कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल तब से है, 27 से है, 5 से है, कोई कह रहा है पोस्टपोन्ड हो गया, कोई कह रहा है पक्का होगा, कोई खुद नोटिस दिखा रहा है, कोई अपने साथियों भूत बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यूज के लिए बिल्कुल बच्चों का ऐसा मतलब भूत बना दिया कि इतना तो है ना, सरकार ने भी नहीं बना रखा होगा जनता का, इतना भूत बना रखा। वास्तव में जब ऐसे लोगों मतलब है ना, अपनी वो उनके दिमाग की भड़क होती है अपनी खुद की, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मतलब यार ऐसा फील होता है कि हम इतने मतलब बच्चे जो इतने मूर्ख हो गए, समझ लिए, या इतने मूर्ख बना दिए कि है ना, उनको जैसे चाहो वैसे कर लो। उनको ये बोल दो कि पोस्टपोन्ड हो गया तो पोस्टपोन्ड की मान ली, ये बोल दिया 27 को होगा तो 27 की मान ली। यार हद होती है, हद होती है। ऑफिशियल कोई चीज़ आएगी तब पता चलेगा, बच्चों को भी पता चलेगा। अब ऑफिशियल बोले कि ऑथेंटिक न्यूज़, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ होगा, ये हो गया, मैं उससे पता कर लिया, उसकी कभी कोई कॉल की रिकॉर्डिंग दिखा दी, कभी कोई स्क्रीन शॉट दिखा दिए। यार मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग की दही बना रखी, ठीक है, थंबनेल ऐसी लगी मिलेगी, अभी अपडेट, बड़ी अपडेट, पता नहीं ये मतलब ना, रिक्रूटमेंट सेल वाले मुझे ये लग रहा है यही हैं, यही हैं, इन्हीं से सारा काम होगा, इनसे पूछ के, इनके सिग्नेचर होंगे, इनसे पूछेंगे कि तुम कहोगे तो हम चलें, तुम कहोगे तो हम फिजिकल लें, तुम कहोगे तो पोस्टपोन्ड कर दें। यार समझ में बाहर है, और आप भी यदि इस बात से सहमत है ना, तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना यार। इतना मतलब वो नहीं होना चाहिए कि आज आप एक बार बोल रहे हो कि पोस्टपोन हो गया, यार बच्चों का मतलब इतना क्यों उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक तो फिजिकल करके बच्चों का हाल भी इतना बुरा है कि आप पूछो मत, ठीक है। किसी को इंजरी, पैर में इंजरी है, किसी को हाथ में है, कंधे में है, ठीक है, किसी को शिन पेन है, किसी को घुटने में है, किसी को जो है ना मसल्स पेन हो रहा है, मसल्स स्टिफ हो गई हैं, तो उनको पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और ऊपर से फिर गर्मी, ठीक है, ऊपर से कोरोना के लॉकडाउन का डर, ठीक है। कोई कुछ कर रहा था, कहीं कुछ जॉब कर रहा था और कुछ कर रहा था, वो जॉब से वैसे छूट गई उसकी, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम है, आगे वो फिजिकल करके पढ़ नहीं पा रहा दोबारा से, अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहा। भाई कोई बंदा सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना, दो दो घंटे एक्सरसाइज को देगा, भाई वो कम से कम रेडी रनिंग करने के लिए जा रहा है, तो ये तो है कि वो लंबी रनिंग करेगा, 20-25 मिनट तो दौड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट दौड़ेगा, वो 20-25 मिनट तो दौड़ेगा वो, ठीक है। और 20-25 मिनट दौड़ेगा तो दौड़ने से पहले आप वार्म अप भी करोगे, कम से कम 15 मिनट उसमें भी लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आने के बाद एक्सरसाइज भी करोगे, जंपिंग की भी ट्राई करोगे, ठीक है, उसके बाद कूल डाउन भी करोगे, कम से कम 1.5 से 1.5 घंटे के से प्लस लगता है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो इतनी देर तक सुबह और इतना ही शाम को जो करेगा उसका पढ़ने का मन करेगा, फिर ऊपर से आप ना जो है ना उसके दिमाग की दही उसको जो है ना ऐसा मतलब मेंटली ऐसा बना देते हो। अभी देखा यूट्यूब खोल के देखा, नेट खोला, बोले कि अब बड़ी अपडेट पोस्टपोन्ड हो गए, उसका बेचारे का वहीं मन टूट गया। यार इतने दिन मेहनत की गई पानी में, है ना। किसी का कोई बॉर्डर लाइन पर है, जो कोई बॉर्डर लाइन पर है फिजिकल पोस्टपोन्ड हो गए, उसका वैसे बेचारे का मन टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि अब वो बॉर्डर लाइन पर पहले से है, उसको ये लग रहा था कि है ना फिजिकल नहीं होगा बच्चों का, भाई कुछ परसेंट बच्चों का फिजिकल होगा। अब उसके दिमाग में क्या होगा कि यार अब तो है ना जिन बच्चों का फिजिकल नहीं होने वाला था, अब उनको टाइम मिल गया, अब है ना उनका फिजिकल हो जाएगा, और फिजिकल की तैयारी, अब तो तू तो गया बाहर। यार उसको क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो? क्यों आप मतलब जब तक कोई ऑफिशियल नहीं है तो आप ये क्यों नहीं करते कि ना भाई भी देखो मुझे नहीं पता
है ना, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी पोस्टपोन, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन, मेरे पास फलाने के पास ये इन्फॉर्मेशन, उसके पास ये नहीं है, उसको ये नहीं पता, यार तुम अपनी खुद की मतलब है ना वो, तुम मेरे को समझ में नहीं आ रही बात, मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ना मतलब ये चीज़ें देख देख के फिर जो है ना मतलब बोलना ही पड़ा कि यार ऐसा तो ठीक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल की भाई। देखो ऑफिशियली ऐसा नोटिस मैं नहीं मान रहा कि नोटिस कहीं घूम रहे होंगे, ठीक है भाई, ना मैं रिक्रूट सेल में, ना मैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है, मैं बहुत नॉर्मल सीधा साधा इंसान हूँ, ठीक है, और ना मेरी कहीं जान पहचान। मैं एक बात जानता हूँ कि यदि साइट पर नोटिस आएगा, ठीक है, तो आप उसको मानिए, और उससे पहले वो नोटिस चाहे कहीं घूम रहा हो, चाहे कुछ हो, वो कितना भी ऑथेंटिक हो, चाहे वो किसी ने कर रखा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ने किया, चाहे राष्ट्रपति ने कर रखा हो, ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री ने, किसी ने भी कर रखा हो, चाहे उसको किसी के सिग्नेचर हो, किसी ने उसको वेरीफाई कर रखा हो, किसी ने वो डिक्लेयर कर रखा हो, कोई डेट डिक्लेयर कर रखी हो, भाई जब तक पब्लिकली वो जब तक वो नहीं हो जाता है, तब तक आप उस पर इतना विश्वास मत करो जितना आप आँख मूंद के कर रहे हो, अब कर रहे हो, उतना मत करो, ठीक है। आपका अभी एक ही कर्तव्य बनता है, जो हमारी जो ड्यूटी है वो एक ही है, आप उसको कर्म समझ लीजिए, धर्म समझ लीजिए, ड्यूटी समझ लीजिए, कर्तव्य मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका एक ही है कि आप इंजरी से बच के अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। और नंबर की बाद में होगा कि क्या मेरिट बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, वो सभी गर्भ में है, अभी किसी को कुछ नहीं पता, ना मैं बता सकता ना आप बता सकते, क्योंकि उसमें अभी किसी को भी ये नहीं पता कि मैं आज तक तो जो है ना फिजिकल की अच्छी तैयारी है, लेकिन हो सकता है और आज मेरे जो है ना मान लो नंबर, सपोज करो मेरे नंबर आज तो 20 नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उस दिन जो आज फिजिकल की भी तैयारी है और उस दिन मुझे बुखार हो गया, चोट लग गई, कोई रनिंग करते टाइम, फिजिकल करते टाइम कोई इंजरी हो गई, मसल स्टिफ हो गई, ठीक है, मैं दौड़ नहीं पाया, गिर गया, चक्कर आ गया, उल्टी हो गई, गर्मी ज़्यादा थी, गला सूख गया, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, इंसान है, इंसानों से गलती भी होती है, समस्याएं भी होती हैं, तो वो चीज़ें आप अभी नहीं डिसाइड कर सकते, वो डिसाइड होंगे जब जब फिजिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फाइनली वो सारा डेटा दिल्ली पुलिस के पास होगा, वही कुछ बता सकते हैं। आप अपना एक ही है कि आपके चाहे एक नंबर ज़्यादा हो, चाहे दो नंबर ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी हो या ना हो, भाई आपका लिस्ट में नाम आया है तो आप एक ही काम है कि आप रेगुलर रूटीन से, आपके चाहे पोस्टपोन्ड हो चाहे ना हो, रेगुलर रूटीन से कीजिए एक्सरसाइज, ठीक है। यदि पोस्टपोन्ड हो जाते हैं तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा ना कीजिए, कम कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आप 2-4 दिन 5-7 दिन का रेस्ट दे सकते हैं, इंजरी आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आप रेगुलर फिर से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, यही है। और बाकी सभी व्यूमर्स में आप ना फंसो, आप अपना काम करो, ठीक है, जो भी आपका काम है। आप यदि नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यदि आप इस मतलब उस सिचुएशन में हैं कि आप कर सकते हैं ये सारा काम करने के बाद, तो आप कीजिए, यदि नहीं है तो आप रेस्ट कीजिए, कुछ दिन बाद आप जब ये फिजिकल हो जाएगा आप उसके बाद नेक्स्ट ईयर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, आप